तनुषा जी से फर्स्ट अलीबाबा सीरियल में ही मिला था। फर्स्ट मुलाकात तो मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा सीन था, क्योंकि उनको किडनैप करना, कुछ मारपीटिंग ऐसी डायरेक्शन था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ शूट करके। और डायरेक्टर सर ने भी बड़ा अच्छे से हमें समझाया। और तनुजा जी बड़ा कॉमेडियन, एकदम एकदम उनके साथ कोई शूट करता है ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा हंसता है, खिलते है, बड़ा इन्जॉय करके शूट करती हैं। एक टेक लेंगी फिर इन्जॉय, बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। तो मतलब ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो अच्छी एक्टर के सुसाइड कर सकती है। और जैसे कि आज की बात है, ये मैं आज सेट पे था भजनलाल स्टूडियो में, तो मैं बिंदिया सरकार में शूट कर रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड अलीबाबा सीरियल में शूट कर रहा था, तो उसने आके मेरे को बोला कि भाई अभय वो ऐसे ऐसे हो गया। मगर यार क्या कुछ भी बोलता, मजाक कर रहा। कह रहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली है। तो मैं तो शॉक हो गया। मैं तो 20 साल की उम्र में काफ़ी अच्छा नाम था उनका, काफ़ी अच्छा एक्टर है, इतनी स्मार्ट, सुशील, बहुत प्यारी एक्टर थी। तो कभी कुछ बताया नहीं, बस ये है कि हाँ हाय हेलो। बाकी जितने भी आर्टिस्ट थे उनका बार विचार, मतलब मिलना, उनसे बात करना बड़ा प्यारा था। उनको हर कोई फैन हो जाता था, उनको सब बोलते थे कितनी प्यारी हैं ये, कितनी अच्छी हैं। मतलब एक बचपना भी कह सकते हैं, मगर इतना नहीं कि वो सुसाइड कर लें। मेरा नाम मनीष अवस्थी है और मैं एक एक्टर हूँ। तुनिसा जी के साथ में हमने कई एपिसोड में काम किया है और तुनिसा जी हमसे हमेशा यही कहती थी, मेरे भाई मनीष हमेशा अच्छे से काम करो, मतलब कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन हम बिंदिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिसा जी ने ऐसा क्यों किया, मतलब इसका क्या कारण होता है, सुसाइड करना उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था, क्या डिस्टर्ब थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने ये सुसाइड किया। नहीं डिस्टर्ब नहीं लगी थी, अभी परसों हमने शूट किया था उनके साथ में और बड़े अच्छे से प्रेम से हंसना खेलना, मतलब उनका स्वाभाविक, मतलब जो नेचर था उनका बहुत ही अच्छा था।